हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू शिक्षा हाउ आर यू ऑल आई होप एवरीवन इज डूइंग फाइन सो फ्रेंड्स अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ अब हमें वेबर्स सोशल एक्शन अप्रोच जो है वो कवर करना है और राइट right. uh, दो इस अप्रोच के बारे में मैंने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बट एक बार हम सिंगल सिंगल अप्रोचेस को देख रहे हैं हर लेक्चर के अंदर सो लेटे क्विकली अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल्सो एंड दीज आर द एम सी कोर्सेज और इन एम सी कोर्सेज़ को आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के साथ जो एक्सप्लोर कर सकते हो डब्ल्यू पर भी जा सकते हो वेबसाइट uh, के ऊपर एक फ्री टेस्ट भी डला हुआ है आपका सोशल uh, सिक्योरिटी का लॉ uh, का और गैप का तो वो टेस्ट आप ज़रूर अटेम्प्ट करो आपको आइडिया लग जाएगा कि कोर्स में आपके किस टाइप के क्वेश्चंस हैं एंड पीडीएफ फाइल्स अगर आप चाहते हैं तो लिंक में डिस्क्रिप्शन है एंड इफ़ यू हैव एनी वन ऑफ दिस कोर्स तो आपको ऑटोमेटिकली फ्री ऑफ कॉस्ट पी डी एफ फाइल्स इनमें मिल जाएंगी आपके कोर्सेज में कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो इन कोर्सेज के साथ और राइट सपोर्ट के लिए यू कैन कॉल मी और व्हाट्सएप मी व्हाट्सएप इज प्रेफरेबल कॉल करें तो व्हाट्सएप पर टाइम लेकर के करें एंड मेल कर सकते हैं शिक्षित एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर और यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी इन द कमेंट सेक्शन और राइट चलिए तो वेबर की सोशल एक्शन अप्रोच में वेबर मेनली क्या कहता है वेबर सीधी सी बात कहता है कि जो आपका यूनियनिज्म बढ़ रहा है या इंडस्ट्रियल रिलेशंस की हम बात कर रहे हैं उसका एक कारण है ब्यूरोक्रेटाइजेशन और जो रैशनलाइजेशन प्रोसेस चल रहा है इंडस्ट्री के अंदर ओके ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो बन रहा है बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में क्या है हेरार्कियल ऑर्डर है मैनेजीरियल सिस्टम है ठीक है आपके पूरे स्टेजेस बने हुए हैं सुपीरियर फिर उसके नीचे आ गया मैनेजर मैनेजर के नीचे फिर आ गए उसके सुपरवाइजर सुपरवाइजर के नीचे फिर वर्कर आ गए ठीक है तो ट्रेड यूनियन वेबर के हिसाब से दूसरी चीज़ जो वेबर कहता है वो क्या कहता है कि ट्रेड यूनियन दो चीज़ों की वजह से बनती है ठीक है एक तो इकोनॉमिक पर्पस इकोनॉमिक पर्पस में आ गया कि भैया जो वर्कर्स हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना है सैलरीज वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए हेल्थ कंडीशंस प्रॉपर होनी चाहिए ठीक है और दूसरा एज अ गोल ऑफ पॉलिटिकल एंड पावर स्ट्रगल ठीक है पोलिटिकल एंड पावर स्ट्रगल को अब आप किस तरीके से डिफाइन करोगे दिस कैन भी डिफाइंड एज द स्ट्रगल बिटवीन द डिफरेंट क्लासेज बिटवीन द कैपिटलिस्ट क्लास एंड बिटवीन द लेबर क्लास इट कैन भी डिफाइंड एज द स्ट्रगल बिटवीन द पीपल हु आर यू नो रिच एंड द पीपल हु डू नॉट हैव रिसोर्सेज ओके दूसरे वे में आप इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हो अब महात्मा गांधी भी क्या कहते थे महात्मा गांधी कहते थे कि जो ट्रेड यूनियंस हैं या जो आ, आ, लेबर यूनियंस हैं वो कभी भी हाईजैक ना हो पाए पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू लेकिन आज की डेट में अगर हम इंडिया जैसी कंट्रीज में देखते हैं आपकी ज्यादातर जो ट्रेड यूनियंस है दे हैव एफिलिएशन टू वन और अनदर पोलिटिकल पार्टी ओके सो ये पॉलिटिकल एंड पावर स्ट्रगल में भी आपकी ट्रेड यूनियन जो है वो इन्वॉल्व है ऑल राइट वेब analyzed the impact ऑफ टेक्नो इकोनॉमिक एंड political पोलिटिको ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस ऑन ट्रेड यूनियन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस जो टेक्नोलॉजी के अंदर चेंज आ रहा है जो इकोनॉमी के अंदर चेंज आ रहा है अब इंडिया के अंदर अगर मैं देखूँ 1991 से हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कुछ और था नाइनटीन के बाद हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कुछ और हो गया ठीक है नाइनटीन से पहले अपने यहाँ पर जो था लाइसेंस राज था रेड टेपिज्म था ठीक है प्राइवेटाइजेशन नहीं था इतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी ओपन नहीं थी 1991 के बाद आपकी एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए देन डेफिनेटली जो वर्कर्स के ऊपर इंपैक्ट है उसका डिफरेंट आएगा ही आएगा ठीक है पहले गवर्नमेंट सेक्टर था जैसे जैसे प्राइवेटाइजेशन होती जा रही है वैसे वैसे जॉब्स जो है वो और ज्यादा इनसिक्योर होती जा रही हैं आर यू गेटिंग माई पॉइंट तो टेक्नो इकोनॉमिक चेंज है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशनल चेंज भी है पॉलिटी पहले किसी और तरह की थी इंडिया के अंदर अब किसी और तरह की है पहले पॉलिटी जो थी पॉलिटी के अंदर क्या था अगर हम देखते हैं 1995 से लेकर के 2014 तक का अगर हम टाइम देखते हैं तो उस केस में क्या हो रहा था उस केस में कोलिशन गवर्नमेंट्स थी ठीक है उस केस में कोल्यूशन गवर्नमेंट्स थी डिफरेंट पार्टीज थी जो रिप्रेजेंटेड थी गवर्नमेंट में उनके अंदर लेबर पार्टीज भी थी लेकिन 2014 के बाद आपकी जो पार्टी है वो आ रही है मेजोरिटी में एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी आपकी बन रही है देन डेफिनेटली उसका भी इंपैक्ट आपको देखने को मिलता है आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओके नाउ द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्कर्स अप्रोचेज टू ट्रेड यूनियनिज्म अब ट्रेड यूनियनिज्म के ऊपर वर्कर की अप्रोच भी बदल रही है इंटरप्रिटेशन बदल रही है आर यू गेटिंग माई पॉइंट वर्कर और ज्यादा अवेयर हो रहा है एंड द रिलेटिव पावर ऑफ वेरियस कॉम्पोनेट्स ऑफ आई आर अब वेरियस कॉम्पोनेट्स हैं आई आर के अंदर अलग अलग कॉम्पोनेट्स क्या है इम्प्लॉयर है ट्रेड यूनियन है इंप्लॉई है सरकार है पॉलिटिकल पार्टी है अब ये सारे के सारे जो कॉम्पोनेंट्स है आई आर के ये पावर स्ट्रगल के अंदर इन्वॉल्व है अकॉर्डिंग टू वेबर्स सोशल एक्शन अप्रोच ऑल राइट नाउ दीज पावर स्ट्रगल कंट्रोल द वर्क ऑर्गेनाइजेशन एज वेल ओके okay? और इसी को ये जो पावर स्ट्रगल है जो वर्क ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है उसको वेबर क्या कहता है सोशल एक्शन ओके बेसिकली जो पावर कंट्रोल और डिस्पर्सल से रिलेटेड है तो चार टाइप ऑफ सोशल एक्शन वेबर बताता है कि चार तरह के सोशल एक्शन होते हैं एक सोशल एक्शन वेबर कहता है जो एंड रेशनैलिटी के ऊपर बेस्ड होता है ठीक है जो एंड रिजल्ट के ऊपर बेस्ड होता है जिसको आप क्या बोल सकते हो कि दिस इज बेस्ड ऑन एंड एंड रिजल्ट और राइट अल्टीमेट गोल के ऊपर बेस्ड है या आप क्या कह सकते हो कि गोल के ऊपर बेस्ड है ओके okay? और एक्शन तब तक मीनिंगफुल नहीं हो सकते जब तक वो गोल ओरियंटेड ना हो तो आपका गोल सेट होना चाहिए और अगर आपका गोल है सेट कि ये मेरा एंड रिजल्ट है देन डेफिनेटली इस अप्रोच के थ्रू एक्शन को आपके गलत या सही नहीं समझा जाता है एंटिल एंड एनलेस वो एक्शन आपके गोल ओरिएंटेड है दूसरा सिस्टम आ जाता है वैल्यू बेस्ड वैल्यू बेस्ड के अंदर क्या है वैल्यू बेस्ड के अंदर यह है कि जो आपके जो आपके गोल्स हैं ठीक है उनको आपने परस्यू करने का रास्ता ढूंढना है ओके okay? वो आपका वैल्यू बेस्ड होता है आपके गोल्स भी आपके वैल्यू बेस्ड होते हैं एंड्स भी आपके जो हैं वो वैल्यू बेस्ड होते हैं सक्सेस और फेलियर इसके अंदर मैटर नहीं करता जो आपका एंड है वो वैल्यू बेस्ड है आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है उस वैल्यू के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे अब फॉर एग्जाम्पल अ सोल्जर लेइंग डाउन हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री हिज एक्शन इज नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अटेनिंग स्पेसिफिक मटीरियल गोल लाइक वेल्थ अब आप अगर एक सोल्जर को देखते हो जो अपनी जान देते दे देता है बेचारा जंग में तो उसका कुछ ऐसा नहीं है कि उसको बहुत कुछ पैसा मिल जाएगा या उसके मरने के बाद उसकी घर वालों को नौकरी मिल जाएगी ठीक है वो जान अपनी क्यों दे रहा है एक सर्टन वैल्यू के लिए ठीक है एंड रिजल्ट उसको पता है कि अगर उसकी डेथ हो गई तो अल्टीमेटली डेथ हो गई उसकी जो है बच्चे अनाथ हो जाएंगे उसके मां बाप का कोई सहारा नहीं बचेगा ये सब चीजें उसके दिमाग में आएंगी ठीक है लेकिन उसका गोल जो है वो वैल्यू बेस्ड है मटेरियलिस्टिक गोल नहीं है उसका वैल्यू बेस्ड गोल क्या है सर्विंग द कंट्री आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओके द नेक्स्ट इज अफेक्टिव सोशल बेस्ड ऑन सेंटिमेंटल रेशनैलिटी ये एक पर्सन के इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड से आता है ठीक है अब फॉर एग्जाम्पल कोई किसी लड़की को बस में छेड़ रहा है और वो बेचारी इरिटेट हो जाती है एंड अल्टीमेटली वो उस पर्सन को थप्पड़ मार देती है ठीक है अल्टीमेटली हुआ क्या है वो बेचारी को इतना प्रोवोक कर दिया गया है कि उसने एकदम से वॉयेंटली रिएक्ट कर दिया ठीक है अब इसके अंदर ऐसा तो था नहीं कि लड़की गोल लेकर के चली थी कि मैं आज बस में किसी को थप्पड़ मारूंगी या उसका वैल्यू सिस्टम ऐसा है कि भाई तूने किसी ना किसी को रोज थप्पड़ ही मारना है ये एक इमोशनल रिएक्शन है ठीक है और लास्ट जो अप्रोच आ जाती है वो आ जाती है ट्रेडिशनल एक, सोशल एक्शन की ठीक है ट्रेडिशनल एक्शन कब गेटिंग माइ पॉइंट अब इसका हर का एग्जाम्पल अगर हम इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की कोशिश करें सोशल एक्शन बेस्ड ऑन एंड रेशनैलिटी अब एंड रेशनैलिटी कोई वर्कर जो है वो स्ट्राइक पर चला जाता है एंड उसका गोल है कि भाई आ, हमें सैलरी इंक्रीज करानी है कोविड के टाइम में जब बिजनेस बंद है हमें सैलरी रेज करवानी है उनका बस एक एंड गोल सेट कर लिया कि हमने इस क्वार्टर में दस हजार करोड़ का प्रॉफिट कमाना है उसके लिए वर्कर्स को ओवर वर्क कराए जा रहे हैं ठीक है वैल्यू बेस्ड सोशल एक्शन के अंदर आ गया आपका सोल्जर का एग्जाम्पल आ गया सिमिलरली वैल्यू बेस्ड सोशल एक्शन के अंदर इंप्लॉयर जो है जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनका अल्टीमेट एम होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करें ना करें दे विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट अल्टीमेटली ठीक है एफेक्टिव सोशल बेस्ड ऑन सेंटिमेंट रेसनैलिटी ऐसे ही सेंटिमेंट्स आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के अंदर भी हो सकते हैं दे फील इरीटेटेड की जो मैनेजर है वो इरीटेट कर रहा है एम्प्लॉय को किसी वजह से वो इरीटेटेड फील कर रहा है एंड ट्रेडिशनल सोशल एक्शन जैसे आप देखते हो कि ऑफिसेज में फैक्ट्रीज uh, के अंदर uh, पहले टूल्स की पूजा की जाती है तो वॉट इज दिस दिस इज अ सोशल एक्शन ट्रेडिशनल सोशल एक्शन है ओके तो ये बेसिकली एक सोशल एक्शन अप्रोच है जो वेबर uh, हमें देता है रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशन अब क्वेश्चन इसमें किस तरीके से पूछ लेगा वो क्वेश्चन तरीके से पूछ लेगा कि फॉर एग्जाम्पल सोशल एक्शन अप्रोच किसने दिया है तो आप uh, नीचे चार थिंकर्स के नाम दे देगा उसमें आंसर आ जाएगा वेबर या वो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि जो सोशल एक्शन अप्रोच है उसमें वेबर कितने टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन को आइडेंटिफाई करता है तीन को चार को दस को बारह को आंसर हो जाएगा चार या इस तरीके से पूछ लेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको तीन अप्रोच तीन जो है एक्शंस दे देगा कह देगा कि या चार एक्शंस दे देगा कह देगा कि बताओ इनमें से कौन सा वेबर का सोशल एक्शन अप्रोच का पार्ट है सो so, आपका वहाँ पर क्वेश्चन जो है इस वे में फॉर्म हो सकता है अल्टीमेटली और सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ वेबर्स सोशल एक्शन अप्रोच एंड आई वॉन्ट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज टू प्लीज़ शेयर द चैनल जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल राइट एंड अस रीच आउट टू द मासेस एंड थैंक यू वेरी मच गाइस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय